बहुत बहुत धन्यवाद। और सभागार तो करीब करीब भरा हुआ ही है, लेकिन जब संस्कृत में व्याख्यान चल रहा था तो बहुत लोग चले गए और मुझे लग रहा था कि मैं उनको रोक लूं, है ना। तो मैं हमारे ललित पटेल जी का जब मैं भाषण सुन रहा था तो अभिभूत था। ऐसा नहीं कि मुझे संस्कृत समझ पूरी आ रही थी, लेकिन मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था जो हमारे संस्कृत के अध्यापक पढ़ा रहे थे, और हम लोग वो ग्रामर भी सीख रहे थे साथ में, और शब्दों का जिस तरह से प्रवाह चल रहा था अपने आप में अद्भुत था। तो हमारे कुलपति साहब चले गए, नहीं तो मैं उनका भी धन्यवाद करता कि भाई आपने इतना बड़ा अवसर मुझे दिया। और उससे बड़ा जो राठवा साहब ने मुझे कल एक क्या उसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रति मुझे उन्होंने पूरी तरह से उन्मुख कर दिया, जब उन्होंने कहा कि कल आपको मुख्य अतिथि बनाया जा रहा, क्योंकि हमारे जो मेरे ख्याल जडपाल जी नहीं वो नहीं आ रहे, विरूपाक्ष जी। तो मुझे लगा अरे ये तो क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध की अनुकंपा मेरे पर हो रही है कि मैं अपनी बातों को पूर्ण रूप से ऐसे सभागार में रख पाऊंगा जहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं, है ना, जो जोधपुर से, वाराणसी से, वाराणसी चूँकि मेरी अपनी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है तो एक अजीब सा जुड़ाव भी था। और आप सब अभी मैं अभिभूत था, नंदी, तपस्वी नंदी और हेमराज जी, हमारे ऐसे बड़े बड़े उद्भट विद्वान हमारे सभागार में हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको और प्रणाम करता हूँ हेमचंद्राचार्य, उनकी स्मृति को। उनके बारे में मुझे कल इन्होंने वो व्हाट्सएप पर भेजा, मैं पढ़ा, बहुत बहुत कुछ चीज़ें जानकारी हुई। तो विद्वान अपने आप में इतने उद्भट विद्वान हैं, उनका काव्यानुशासन के बारे में भी मैंने इतना अच्छा शोध प्रबंध सुना, तो मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, मैं आपको एक साथ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। राठवा साहब से मैंने कहा कि 5 लाख रुपए तो मैं भी मन में जुटा रहा हूँ कि मैं भी इस तरह से दूंगा और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करूँगा कि उत्तर गुजरात जो है वो भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, और ईश्वर करे, है ना, प्रभु की कृपा हो कि हमारा जो ये भारतीय विद्या का जो भंडार है, कहने लगे इतने सारे पांडुलिपियां हैं और इतनी ही पांडुलिपियां मैं लगभग 60,000 कोलकाता में देख आया, तो हमारे पास इतना बड़ा भंडार है रखा हुआ और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तरह से ये मतलब अपने आप में मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब अमेरिका टिबेटोलॉजी बना सकता है, तिब्बत के ग्रंथों को ला करके वहाँ इतना शोध कार्य करवा सकता है विद्वानों द्वारा, ताकि ऐसी कोई चीज़ मिले जिसका हम व्यवसाय कर सकें, हमारे यहाँ ये भावना नहीं होती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, व्यवसाय की बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है, क्या कुछ उससे सीख कर हम लोग अपनी इस प्राचीन धरोहर को नहीं संभाल सकते। हमारे 60-70 विद्वान इस पे काम करें सारी पांडुलिपियों पर, आखिर क्या है, हमें पता तो लगे। हम कई बार विमान शास्त्र की बात जब आती है कि विमान शास्त्र थे हमारे यहाँ और इतने क्या कहते हैं आणविक अस्त्र भी थे इत्यादि इत्यादि, तो हम एक बार मालूम तो करें कि क्या क्या उसमें छुपा हुआ है। जैसे दिलीप भाई ने बताया कि भाई पुराना जो पाली का ग्रंथ था जातक, उसमें से मैंने कुछ ऐसा खोज लिया और आज उसे नई टर्मिनोलॉजी में प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि वो है क्या चीज़। उसी तरह से हम अपनी बहुत सारी पांडुलिपियाँ जो है, बहुत सारा जो हमारा भारतीय विद्या जो छुपी हुई है, उसे क्यों ना हम एक बार कोशिश करके उद्घाटित करें। बहुत कुछ नवीन उसमें से मिलेगा। और शास्ता जो भगवान बुद्ध जिनकी जातक कथाओं में बार बार आती है बात, वो शास्ता के रूप में हमारे सामने है। और जब उनको पाली साहित्य वाला वो जातक अट्ठकथा बुद्ध घोष ने
कब इतना पुराना, तीसरी शताब्दी में लिखा हुआ है ना, वो पाली वाला ग्रंथ जिसको हम लोग लगभग भूल चुके थे, या अलमारियों में हो सकता है धूप बत्ती। यहाँ बौद्ध विहारों में भी मैंने वही अवस्था देखी कि इतनी अच्छी, जो हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारे दिनचर्या को इतनी अच्छी तरह प्रभावित कर सकती है, हमारे जीवन में इतने सुख ला सकती है, उसको हम लोगों ने सिर्फ नासमझी में अलमारी में बंद कर दिया हुआ है। तो ऐसी बहुत सी कृतियां हैं, बहुत सी पांडुलिपियां हैं जिनको हम सामने लाएंगे, मेरा ये विश्वास रहेगा, और आपका विश्वविद्यालय जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभाए, यही मेरी इच्छा है। पर आज का वक्तव्य जो मैं शुरू करने के पहले चाहूँगा ये कि आपको ये बताऊँ कि देखिए, ये एक धारा होती है, ज्ञान जो है वो एक धारा के रूप में प्रवाहित होता रहता है। जैसे अभी उन्होंने काव्य अनुशासन में बताया, उनके जो हेमचंद्राचार्य जी से पहले के जो थे, उनके पूर्ववर्ती जो विद्वान हैं, उनको भी साथ ले करके वो आगे बढ़े हैं। और यही होता है, हमारे साइंटिफिक रिसर्च का तो यही मेथड रहा है ना। हम लोग न्यूटन को अगर अपनी 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते रहे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्रवाह चलता रहता है। अगर मान लीजिए नानक भी वही बात कह दें जो बुद्ध कह रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? कालांतर है, 2000 साल बाद वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वही बात वह कह रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रवाह चल रहा है। और हमारे मनीषियों में, अब ऋषि तुल्य जो हमारे हेमाचंद्र आचार्य, उन्होंने भी यही कहा, पुराने को साथ लेकर के चले, तो ये प्रवाह चलता रहता है और चलते ही रहना चाहिए, है ना। अब होता क्या है कि अगर सब कुछ दर्शन शास्त्र वाला भी वही है, अनेकांत का सिद्धांत जैसे जैन धर्म में है, हमारे सिख धर्म में भी, वो तो नानक तो यहाँ तक कह दिए, जगत जलंधर रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरे तिथे लई उबार, यानी जहाँ मेरा कल्याण होता हो मुझे वहीं उबार लेना। उनके लिए तो हर दरवाज़ा खुला हुआ है, इतना सेक्युलर उनका नज़रिया है। तो हम लोगों को जो जानते हैं, जो ज्ञान विज्ञान में दक्ष हैं, जिनकी चिंतन शैली वैसी है, वो हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में सब एक मानते हैं, है ना। और तब मुझे फिर वो जो हमारे काशी प्रसाद मिश्र जी ने वो सुनाया था, आपके यक्ष प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि भाई पंथ क्या है ना, तो उसमें उन्होंने वो एक श्लोक मुझे अभी भी याद आता है कि वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नास्ति मुनीर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनेन येन गत सपंथ। तो इतनी बड़ी बात है ना, जब हमारे भारतीय विद्या में है और हम फिर ये इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। हम वसुधैव कुटुंबकम के लेकर के अभी हमारे प्रधानमंत्री भी इसी को लेकर के बाहर पूरे विश्व में लेकर हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर जा रहे हैं। और अगर हम अपनी पुरानी पांडुलिपियों को भूल जाएंगे तो शायद इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं होगा। तो मैं उसी परंपरा में, ये जब बुद्ध घोष द्वारा रचित जातक अट्ठ कथा मिली, अब पाली साहित्य के जिस तरह से इन्होंने काव्य अनुशासन की बात की, उस तरह से जातक का तो अभी तक उस तरह किसी ने अध्ययन ही नहीं किया। उसमें इतने अच्छे रस सिद्धांत और इतनी अच्छी यानी उत्कृष्ट उपमाएं, इतने अलंकार हैं, उस रूप में जातक का किसी ने अभी अध्ययन नहीं किया। कालांतर में होगा, निश्चित होगा, लेकिन मैं जो चीज़ उनमें से ढूंढ पाया, मैं मेटलर्जी का विद्यार्थी, कहाँ विज्ञान और कहाँ वो पाली जातक अट्टकथाएँ जब मुझे मिली, तो उसमें मुझे प्रबंध शास्त्र की चीज़ें दिखने लग गईं, क्योंकि मैं कारखानों में काम कर चुका था, जगह जगह प्रबंध के कई स्तर मैंने देखे, छोटे से लेकर धन के सारे लक्षण देखे, MBA में पढ़ा, तो मुझे लगा कि अरे ये शास्ता जो हैं भगवान बुद्ध, ये पहले प्रबंधकीय गुरु थे मुझे लगता है कि, और
फिर मैंने कहना भी शुरू कर दिया कि ये जातक अट्ठकथाएँ जो हैं, अगर विश्व में कोई प्रबंध शास्त्र के पहली किताब लिखी गई है तो वो ये जातक है। और मैं बताऊं कि भगवान बुद्ध तो सिर्फ गाथा कहते थे, गेय पद जिसको हम ले कहते हैं, और जो पाली ये जातक अट्ठकथा बुद्ध घोष ने लिखी, ये चंपू काव्य है, गद्य और पद्य मिला हुआ है। तो एक गाथा अगर आप पढ़ते हैं और उस गाथा का अर्थ अगर नहीं समझ में आता है तो उसके पीछे की कथा क्या है वो जानना जरूरी है। अब 563 अगर उनका हम लोग जन्म वर्ष मान लें भगवान बुद्ध का, और ये कहें कि भाई ठीक है, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सूत्र कहने शुरू किए, उनमें खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ जातक है ना, तो इतने बाद की ये रचनाएं लिखी गई होंगी, यानी लिपिबद्ध हुई होंगी। पहले तो हमारी मौखिक परंपरा में भिक्षुओं ने याद की, अस्थवीरों ने याद की, और इस तरह से वो चलती रहीं रचनाएं। और आपको बताऊं, आश्चर्य होगा कि बुद्ध घोष को सिंगल जाना पड़ा, सारी रचनाएं यहाँ मिलती नहीं थी। जातक तो थे लेकिन उसके पीछे की अर्थ कथा क्या है, इसलिए उसको पाली में कहते हैं अट्ठ कथा, उसके पीछे का स्टोरी क्या है। क्योंकि अब जब मैं इन बातों पर आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊं कि जातक तो सिर्फ पद्य है लेकिन उस पद्य में एक कहानी छुपी हुई है। अब वो कहानी क्या है, जब तक आपको न पता लगे तो आपको उसका पूरा भावार्थ नहीं पता लगेगा। एक उदाहरण दूं तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक गाथा है, उसका अर्थ ये है कि ये नौकर जहाँ चिल्लाता है वहीं खजाना दबा है ना। अब ये दो पंक्तियाँ हैं पाली में, उसका अर्थ ये है। अब ये कौन सा धर्म की बात है इसमें, अगर जातक कथा को, जातक को हम माने कि धर्म ग्रंथ है, तो इन दो पंक्तियों में बताइए कौन सा धर्म है, कौन सा दर्शन छुपा हुआ है कि ये नौकर जहाँ चिल्लाता है वहीं खजाना गड़ा है। तो अब इसके पीछे की कथा क्या है, जब आपको कथा पता लग जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा कि ये दो लाइन तो बड़े काम की हैं। और मुझे लगता है कि उस ट्रेडिशन में जब ये परंपरा चल रही थी मौखिक परंपरा में, तो जो धम्म कथिक रहते होंगे, जब वो जा करके भगवान बुद्ध की बात बतानी है, तो वहाँ इन दो लाइनों का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। और उसकी कथा ये है, बहुत सी किताबों में है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि एक परिवार है, उसमें जो पुरुष है वो मरने के किनारे होता है ना, पर उसको लगता है कि जो मेरा बेटा है जब ये बड़ा होगा तो वो अपना बिजनेस कैसे करेगा, तो इसके लिए मैं अपना धन कहीं छुपा जाऊं। लेकिन वो अपनी स्त्री को नहीं बताता कि मैं धन कहाँ छुपा रहा हूं, ताकि वो उसका मिसयूज़ ना कर ले, इस तरह से करके। लेकिन उसका जो नौकर रहता है घर का, उसे वो चीज़ जानकारी रहती है। अब जब लड़का बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए चाहता है कि मेरे धन राशि हो, तो उसकी माँ कहती कि भी तो अपने मामा से पूछ ले। अब वो नौकर को कहता है भी कहाँ पर है, इस तरह से। तो वो उसको ले जाता है एक जगह पर, कोई वन प्रांतर रहा होगा, वहाँ ले जाता है, और वहाँ जा कर के वो बताने की बजाय गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वे एक दो बार इसी तरह से होता है तो ये लड़का बड़ा परेशान होता है कि तो कुछ बता तो रहा नहीं है, तो अपने किसी अंकल से या अपने जानकार व्यक्ति से कहता है ऐसी ऐसी बात। तो वो बताते हैं कि बस जहाँ खड़ा होकर वो चिल्लाना शुरू करे वही धन गड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब उन दो लाइनों का अर्थ ये था। अब गाथा अगर इस बात में है तो इसमें प्रबंध शास्त्र नहीं तो और क्या है ना। अब 547 कहानियां हैं इस तरह की, और एक एक का कलेवर उपन्यास का है, ऐसी भी कहानियां हैं जिनमें एक कहानी है महाउमग्ग जातक, पूरा एक वॉल्यूम है ना, मोटा हैरी पॉटर के हिसाब से। तो मैं वही सोच रहा था कि हैरी पॉटर को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अगर उनको मिल जाए
तो वो लोग हैरी पॉटर को भूल जाएं बिल्कुल, है ना। इतनी अच्छी किताब है वो, और उसमें एक महोषध का चरित्र आया है। वो महोषध बाल्यकाल से किस तरह से प्रतिभाशाली है, उनकी कहानियों के माध्यम से कैसे हम अपने बच्चों में प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना रिडल्स समझाते हैं, तो उनमें आपको आश्चर्य होगा एक ऐसा रिडल है, तो मुझे लगा कि अरे बाबू ये तो सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करता है। सुनाऊं आपको रिडल क्या है, हो सकता है आप भी इस पर अपना दिमाग चलाएंगे। एक सिलिंड्रिकल लकड़ी का पीस है और उसे जो है वो राजा महोषध के पास भेजता है कि ये बताया जाए कि इसमें कौन सा हिस्सा मूल की तरफ का यानी जड़ की तरफ का है और कौन सा हिस्सा तने की तरफ का है, है ना। अब वो सिलिंड्रिकल पीस आप समझ ही सकते हैं कि वो समान डाइमेंशंस है उसकी, तो कैसे पता लगे। अब उस लड़के महोषध ने बताया, तो इसका जो हल है मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब उस जमाने में आर्किमिडीज तो बहुत बाद में हुए, लेकिन ये ज्ञान तो हमारे यहाँ पहले से था। जब ये प्रश्न है तो इसका मतलब लोग महोषध ने सॉल्व किया उसको। इस तरह की ऐसी ऐसे प्रश्नावली उसमें कहानियाँ हैं कि वो कहानियाँ अगर हमारे बच्चों को पढ़ने को मिल जाए करिकुलम में तो प्रज्ञा तो छलांगे मारने लगे। इतनी अच्छी कहानियाँ हैं। मैं इसीलिए ले लेकर के अपना जब ये रिसर्च मेरी पूरी हो गई तो मैं इसको लेकर के जगह जगह जा रहा था कि भाई इसको हमारे करिकुलम में शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो उस दिशा में मैंने बुद्धकीय प्रबंधन इसका नाम दिया और आपको कहानियाँ वो सुनाऊँगा, आपको अच्छे लगेंगे कैसी प्रबंधन की कहानियाँ हैं। इनमें एक ये थी वहाँ उम्मग जा तक, जिसको मैं श्रीलंका लेके पहुँच गया। श्रीलंका इसलिए लेके गया कि वो जो महोषध है वो आगे उस उपन्यास में इंटरनेशनल टेररिज्म जो आज की समस्या है उसका निदान कर रहा है। और जब अन्ना हजारे अपना अभियान लेकर के निकले थे भ्रष्टाचार प्रबंधन का, कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अभी भी मतलब ईश्वर की दया बनी हुई है, भ्रष्टाचार उसी तरह से है, लेकिन ये विश्वव्यापी हो गया है, है ना। अब तो दूसरे देश भी उसकी चपेट में आ गए। तो मैंने कहा कि ये देखिए यहाँ ऐसी 36 कहानियाँ हैं जातक में भ्रष्टाचार से सीधी सीधी संबंधित हैं। भ्रष्टाचार छोटे लेवल का, भ्रष्टाचार मिडिल लेवल का, भ्रष्टाचार हाईएस्ट लेवल का, यहाँ तक यानी उसमें निरूपण किया हुआ है और सबका समाधान दिया हुआ है। तो अगर मैंने भेज दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कि ये देखिए किताब तो ये बना करके मैंने भ्रष्टाचार प्रबंधन पांडुलिपि उनके पास भी एक भेज दी कि देखिए अगर सचमुच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर ये समाधान दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, है ना, शायद कुछ ऐसा ही रहा। तो वो किताब तो छप गई, लेकिन उसका क्या हुआ मैं देख रहा हूँ कि अब उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो कुछ हुआ नहीं, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो गया। अब वो और ज़्यादा व्याप्त हो गया, पंजाब में तो बुरी तरह से हो गया, है ना। अब क्या कहते हैं, जो नई सरकार आई कहती है हम पकड़ेंगे, जीरो कर देंगे। तो फिर मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जीरो नहीं करना है, नहीं, नहीं, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, है ना। प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन में आपको एक सिस्टम को इस तरह से बनाना होता है कि वो टॉलरेबल लिमिट्स में रहे। मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये वाला जो चोरी चमारी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, उसको आप फांसी पर लटका देंगे और जो हजारों करोड़ रुपए का गबन है उस पर कोई आँच नहीं आएगी तो आपका वहीं रहेगा, आपका भ्रष्टाचार वहीं रहेगा, वो जाएगा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जो हैं वो शास्त्रा के रूप में उन कहानियों के रूप से ये निरूपित करते हैं कि एक सिस्टम जब बनता है तो उसमें बहुत कुछ अपवाद स्वरूप रह जाता है। 0% जो होता है वो असंभव हो जाता है। ये कहानियों में आया है, है ना। कहानियाँ भी मैं आपको सुना सकता हूँ सारी, लेकिन चूंकि बीज वक्तव्य है इसलिए सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको आगे
पढ़ लेंगे, एक दो कहानियों का मैं जिक्र जरूर कर दूंगा कि देखिए कोई भी सिस्टम आप बनाएंगे ना, मान लीजिए एक आप रूल बना देते हैं, आप साधारण सी बात बताओ कि 9 बजे आना है, तो कोई आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति 9 बजे आ जाएगा, उसमें डेविएशन होंगे ही, 5 मिनट 10 मिनट डेविएशन होंगे। तो आपको एक टॉलरेबल लिमिट उसमें रखनी है, जिसको हम लोग आज की भाषा में, आज के मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं टॉलरेंस लिमिट। हर जगह देखेंगे आप, ये सिस्टम जो है तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक वो संतुलन में रहता है, है ना, जब तक इक्विलिब्रियम में है, जब तक बैलेंस्ड है, तब तक वो सिस्टम चलता रहता है। जब सम्यक का अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, तो उस सिस्टम में तोड़फोड़, अराजकता, इस तरह की चीज़ें मिलने लग जाती। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे समाज की आज जो विसंगतियां हैं, है ना, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर लें, पारिवारिक स्तर पर लें, सामाजिक स्तर पर लें, जो भी आपको अराजकता सी दिख रही है ना, उसका मूल कारण है मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी जिसको कहते हैं मैनेजमेंट के नाम पर हम मिसमैनेजमेंट हम लोगों सीख लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी अवधारणा में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। अब देखिए ना, वो उनके टर्म्स ही ऐसे हैं। एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, आप में से जो इसको समझ सकते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट को एफिशिएंसी कहते हैं। और आउटपुट का अर्थ हुआ कि क्या आपने प्रोड्यूस किया, इनपुट माने आपने क्या लगाया। कम से तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आप शोषण करें, येन केन प्रकारेण आप आउटपुट बढ़ाएं, इनपुट कम करते जाएं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो आप मेरा मूल्यांकन इसी हिसाब से करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन इसी हिसाब से करेंगे, शिक्षा का मूल्यांकन इसी हिसाब से करेंगे, है ना। तो उससे होने वाला क्या है कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोत्साहित कर रही हैं कि हम गलत करें, है ना। और इसमें कोई, ये मैं समझता हूँ कि अनायास नहीं हो रहा है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो यही सीख रही है, हमारे जो विद्वान यानी जो प्लानिंग कमीशन में हैं वो इसी तरह की मानदंड लिए हुए हैं। तो जब तक हम इस मूल अवधारणा पर विचार नहीं करते कि सचमुच में हमें बुद्ध की प्रबंधन को अडॉप्ट करा, जिसका अर्थ क्या है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब आपकी प्लानिंग में इस तरह की बातें मानवीय संवेदनाओं से भरपूर, यानी आपके मन में जब ये भावना है कि भाई हम जो गलत भी करने जा रहे हैं तो उसका ऐसा अर्थ ना हो जो कि विध्वंसकारी हो, जब ये भावना है, अगर मान लीजिए हम झूठ भी बोल रहे हैं, एक कम को कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर पुण्य है तो वो फिर भी आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, या अगर देगा भी तो कम होगा। लेकिन ऐसी जो लालच से ही प्रेरित है, जो आपके तृष्णाओं से ही ग्रस्त है, है ना, जो अवधारणा, वो आपको जाहिर है बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे सकती। मेरे ख्याल ये ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया, मैं थोड़ा एक आध उदाहरण द्वारा इस चीज़ को बताऊं, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि ये 0% वाला जो भ्रष्टाचार है वो कैसा हो सकता है, है ना। तो 0% वाले भ्रष्टाचार का एक उदाहरण वहाँ मिलता है, प्रेस अगर चला गया हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है, है ना, क्योंकि ये ऐसा उदाहरण है जिसमें थोड़ा सा 0% वाला टच है। एक भिक्षु है जो विहार से निकला है, विहार से निकल कर के वो पुष्करणी में, यानी आप बाहर कोई तालाब था जिसमें कमल फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर समीर बह रहा है और वो उसकी जो गंध है वो, मतलब सुगंध फैल रही है, और भिक्षु थोड़ा उससे अभिभूत है और वो ले रहा है, आराम कर रहा है, रिलैक्स मूड में है। तब तक एक देवी प्रकट होती है और कहती है कि भिक्षु
तुझे शर्म नहीं आती, सुगंध की चोरी कर रहा है? तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई चोरी मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, ये तो समीर के साथ सुगंध चली आ रही है, तो ये चोरी कैसे हुई? तब तक क्या होता है कि एक व्यक्ति घुसता है और जितने कमल के फूल हैं वो तोड़ मरोड़ के अपनी बोरी में भर के और ले जाता है। तो वो कहता है, देवी अभी आपके सामने जो हुआ ये तो इसे तो चोरी नहीं कहना चाहिए, है ना, ये तो सब ठीक ही था। तो वो कहती है कि अरे उसको मैं क्या कहूँ, वो तो गू से पहले ही लथपथ है। यहाँ विहार में तो तुम आए हो ना तृष्णाओं का त्याग करने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि वो 0% टॉलरेंस वाली बात, कि तृष्णा मुक्त होने के लिए तो तुम ये ट्रेनिंग लेने यहाँ आए हुए हो, और तुम बाहर निकल करके ये जो तुम्हारी आसक्ति है ये सुगंध की तरफ बढ़ रही है, तो चोरी तो तुम कर रहे हो। तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है ना, और वो कहता है कि देवी आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। अब देखिए ये एक पाली में, ये पाली भाषा में सब लिखा हुआ है, मैं अपने एक भी डायलॉग अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। तो वो देवी कहती है कि भाई वो तो गू में लथपथ है, तो 0% भ्रष्टाचार की जो बात है वो तो तुमको करनी चाहिए। और कहता है कि भाई आइंदा भी मुझे सावधान प्लीज कर दीजिएगा, कहीं मेरे से त्रुटि हो रही हो इस तरह से। तो देवी कहती है कि क्या हम तेरे बाप के नौकर हैं या तू हमें खाने पीने का दे रहा है ना? अब अर्थात साफ है कि भाई तेरा अपना भेजा कहाँ है, अपना विवेक कहाँ है, तो उसका इस्तेमाल करो ना। तो देखिए हम जो 0% की बात अगर करते हैं तो हमें किस तरह का हमें अपना आचरण रखना होगा कि डबल सावधानी रखनी होगी, है ना। अब मैं जब अपने नौकरी वाले हिस्से को पीछे मुड़ के देख रहा था तो ऐसी छोटी मोटी भूलें तो मैं भी करता था, थोड़ा बढ़ा के दे दिया, TADA थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, है ना, जहाँ खर्चा नहीं भी हुआ है दे दिया। अब मैं समझता हूँ कि ये तो इस तरह का तो भ्रष्टाचार बहुत लोग करते हैं, पकड़ में ना आए वो अलग बात है, लेकिन जो अगर विवेक से देखेंगे तो हमें 0% भ्रष्टाचार में उतना भी लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब दूसरा भ्रष्टाचार के इसी तरह के नमूने और उस कहानियों में आते हैं, 36 कहानियां हैं, वैसे मैं अब सबको डील नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि देखिए जातक कथाओं में क्या ये कहानी इसलिए रखी गई थी कि धर्म की शिक्षा दी जाए, है ना, इससे कोई बहुत बड़ा धर्म या दर्शन की बात तो नहीं हो रही है, वो तो अलग आप सूत्र पिटक में देख लेंगे अगर उसमें डिटेलिंग में जाएंगे। यहां एक कहानी के माध्यम से आपको प्रबंध शास्त्र की शिक्षा दी जा रही है कि भाई अगर रेड लाइट है तो वहां रुक जाओ, ये सोच करके कि भाई कोई नहीं देख रहा है क्रॉस तुम जंप कर जाते हो, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। तो 0% भ्रष्टाचार तो हर व्यक्ति का दायित्व तो बन जाता है, छोटे छोटे नागरिक का भी, चाहे वो चाय दुकान ही चला रहा है, लेकिन वहाँ भी अगर उसके मन में भावना आ जाती है लालच की, है ना, और वो समझिए कि गलत चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाए तो वो भ्रष्टाचार में ही गिना जाएगा।